नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो सेट पैटर्न के दोस्तों प्रश्न होते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न देखने में काफ़ी बड़े होते हैं और सॉल्व करना भी दोस्तों काफ़ी कठिन होता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान ट्रिक दोस्तों, ताकि आपको इन प्रश्नों के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक हैं और मैथ्स आप बेसिक से यानी जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दोस्तों, आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोज़ की इंपॉर्टेंट जितने भी डालू उसकी नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, मैं वहां पे एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाता हूं एकदम बेसिक से एकदम आसान भाषा में। तो दोस्तों, आप वहां पर जरूर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। और वहां पर दोस्तों एकदम आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और कुछ दिन बाद दोस्तों आपको एहसास होगा कि आप मैथ में इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप भी दोस्तों को बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे कुछ ही सेकंडों में। तो वहां पे दोस्तों आपकी सारी चैप्टर कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो उस चैनल पे दोस्तों आप जाके जरूर जुड़ जाइए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहां देख लीजिए। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह एक किलो के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। दोस्तों, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए। दोस्तों, मैथ्स में क्या होता है, आप थोड़ा सा प्रश्न समझ लेते हैं तो प्रश्न को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, देखिए दुकानदार क्या कहता है दोस्तों, मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। कहने का मतलब है दुकानदार कह रहा है मैं जितने रुपए में खरीदा हूँ आपको उतने रुपए में ही दे रहा हूं, लेकिन वह कर क्या कह रहा है दोस्तों, एक किलो वाट के स्थान पे 800 ग्राम के वाट का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, एक किलो वाट में कितने ग्राम होता है, कितने ग्राम होता है दोस्तों, एक केजी में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो 1000 ग्राम के स्थान पे दे कह रहा है दोस्तों, वो 800 ग्राम ही दे रहा है और कह रहा है दोस्तों मैं क्रय मूल्य पे ही बेचता हूं। तो चोरी तो यहां पर कर रहा है ना ये, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो उसका लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 ग्राम के स्थान पर दे कह रहा है दोस्तों 800 ग्राम, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 ग्राम का तो लाभ ले रहा है, और कितने पे ले रहा है दोस्तों, कितने ग्राम उनको दे रहा है, तो 200 ग्राम का लाभ ले रहा है, 800 ग्राम दे रहा है ना, 800 ग्राम तो दे रहा है उनको, तो 800 ग्राम दे रहा है और लाभ ले रहा है कितने का दोस्तों, 200 ग्राम का, और उनसे मूल्य मतलब कितने रुपए का ले रहा है दोस्तों, उनको 1000 ग्राम बता के दोस्तों कितना दे रहा है, कितना दे रहा है 800 ग्राम, और लाभ उसको कितना हो जा रहा है दोस्तों, 200 ग्राम का। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 200 ग्राम का दोस्तों लाभ हो रहा है कितने पे, 800 ग्राम का। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ क्या हो जा रहा है, 200 ग्राम का हो जा रहा है, और उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 800 ग्राम का ही तो है ना, बोल तो रहा है ना उनको 1 केजी दे रहा हूं, तो क्रय मूल्य 800 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100। अब बस इसी को दोस्तों कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कितने बार में जाएगा दोस्तों, 4 बार में चला जाएगा, और 4 से 100 कितने बार में जाएगा दोस्तों, 25 बार में। तो लाभ प्रतिशत बराबर उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% का लाभ हो जाएगा। 25% किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, क्यों नहीं है, तो इसको ओरल आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बस आप प्रश्न पढ़ें दोस्तों, वह क्या कर रहा है दोस्तों, 1 किलो बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का
इस्तेमाल कर रहा है। तो लाभ पूछ रहा है 1 किलोवाट में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो दे क्या रहा है दोस्तों, 800 ग्राम दे रहा है। तो उसका लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है दोस्तों, 800 ग्राम के बाट दे रहा है, यानी कि 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम पे तो लाभ हो रहा है ना दोस्तों, 200 बटा 800 और गुणे क्या कर लेंगे, 100% लाभ पूछ रहा है। तो ये 200 एक ही बार कटा सकते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 4 से ये 100 कटा देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 25। ये 25% का दोस्तों लाभ हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को दोस्तों अगर आप एक्स मान के सॉल्व किए, बेसिक मेथड से किए, तो ये 1 से 2 पेज में दोस्तों ये प्रश्न सॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता रहा हूं एक लाइन में इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए, बेसिक मेथड भूल जाइए, इसको देखिए ट्रिक से बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। ट्रिक नहीं है, बेसिक ही है, बहुत ही आसान है, समझिएगा। प्रश्न कह रहा है एक 400 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात, यानी 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे तो आपको एक्स मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों, मैं जितना बता रहा हूं उतना समझिएगा। देखिए आपको लाभ हानि में भी बताया था, क्या बताया था दोस्तों, 20% की छूट को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 100 से घटा के। छूट को क्या लिखते हैं दोस्तों, हम 100 से घटा के लिखते हैं, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। और लाभ को क्या लिखते हैं दोस्तों, 25% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है ना। तो लाभ को हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो लाभ को क्या लिख देंगे दोस्तों, 125 लिख देंगे। लाभ को क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे, और छूट यानी कि कमी को क्या लिखते हैं, 100 से घटा के लिखते हैं। तो ये 80-125 बस लिख दिए ना, तो आप प्रश्न को सॉल्व भी कर लेंगे। बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितना हो गए, 30% छूट कर देगा तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 70 लिख देंगे, और 40% लाभ लिख देगा तो 140 लिख देंगे। लाभ को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ के लिख देंगे 100 में, और हानि को क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ छूट होगी तो उसको हम 100 से घटा के लिखेंगे। अब बस दोस्तों इसका जो रूल होता है ना, डिवीजन रूल, भाग वाला नियम होता है, वही लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसान होता है। एक उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 400 रुपए है, 400 रुपए की क्रय है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए पूछ रहे हैं ना। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों 400 गुणे, अब 400 से मूल्य क्या होगा, अधिक ही होगा ना, तो सारे ऑप्शन में भी देखेंगे तो अधिक दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 125/80 लिख देंगे। बस इतना ही करना है दोस्तों, एक्स बिल्कुल भी नहीं मानना है। एक्स अगर जो माने तो 2 पेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा और काफी टाइम भी लगेगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी अंकित मूल्य पूछे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 125/80 लिख देंगे। 125/80 लिख के अब बस इसको आपको छोटा कर लेना है, घटा के छोटा करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 40 कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और 5 × 125 हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, 5 × 125। तो 125 × 5 क्या होता है दोस्तों, गुणा कर लेंगे 125 में 5 से, तो हो जाएगा दोस्तों 625 रुपये। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों, 625 रुपये आ जाएगा। 625 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूं दोस्तों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक 400 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो कितने परसेंट की छूट देने के पश्चात 20% छूट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 से घटा देंगे, 80 लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों क्या कह रहा है, 25% लाभ कमाने के लिए, लाभ को हम क्या लिखेंगे, 100 में जोड़ देंगे, छूट को 100 से घटाए तो इसको क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, तो इसको लिख देंगे दोस्तों 125 लिख देंगे। अब बस 80 और 125 का ही गेम है यहाँ पे, बस समझिएगा। और उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 400 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालने के लिए 400 × 125 लाभ कमाने के लिए, कितना, 25% लाभ कमाने के लिए, ना कह रहे हैं ना 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो, क्या क्रय मूल्य रखा जाना चाहिए, तो 125 बटा क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। इन्हीं दोनों को लिखना है दोस्तों, 80 और 125 को, ठीक है, 125/80 लिख देंगे, और इसको घटा के छोटा करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा।
जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और आठ से चालीस हो जाएगा, आठ पच्चे चालीस, ये हो जाएगा पाँच गुणे एक सौ पच्चीस, यानी कि पाँच में एक सौ पच्चीस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, छः सौ पच्चीस रुपये आ जाएगा। तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, छः सौ पच्चीस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और कभी भी दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप इसको इसी टाइप से डिविजन रूल लगाएंगे दोस्तों, बस यही दो मान लिखेंगे, तुरंत इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। एक्स मान के कभी नहीं सॉल्व करेंगे, एक्स मान के सॉल्व करेंगे एक से दो पेज लगेगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में समझा देता हूं, उसके बाद समझाता हूं दोस्तों आपको तीसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों ये ई बुक है, बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है। दोस्तों आपके जो भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं, जैसे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी यूपी पुलिस एसआई लेखपाल रेलवे एसएससी की कोई एग्जाम देंगे, या अदर कोई सा भी दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक है। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा रिपीट करते हैं। और दोस्तों बता दूं, इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों, 50-50 क्वेश्चन के, और प्लस 10 वन लाइनर सेट मिलेगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी दोस्तों हेल्प मिलेगी। दोस्तों प्रश्न कहां से दिए गए हैं, तो साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के इसमें क्वेश्चन है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों इस ईबुक को आप ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। दोस्तों ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। दोस्तों अगर जो आपको किसी प्रकार की क्वेरी है, किसी प्रकार की समस्या है डाउनलोडिंग या पेमेंट से, तो आप दोस्तों इस नंबर पर कॉल करके पंचम पब्लिशर से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, आपके परीक्षाओं के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगी। तो दोस्तों पेपर से पहले इस ईबुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों बता दूं, जो दोस्त इस ईबुक को ले चुके हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये ईबुक उनको कैसी लगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको आप क्या करते हैं, इसके लिए दोस्तों आप वेन डायग्राम बनाते हैं, लंबा चौड़ा मेथड लगाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इसको वेन डायग्राम बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आप इसका ओरल जवाब देंगे, मौखिक देंगे, बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करना है। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद से दोस्तों आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करने लगेंगे। देखिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, दोनों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं है, कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, बस आप लास्ट वाली लाइन को देखेंगे क्या क्या रहा है। दोस्तों पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, जब उत्तीर्ण प्रतिशत पूछे, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास होता है, और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, ठीक है। उत्तीर्ण यानी कि पास का प्रतिशत पूछे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पहले विषय में क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले विषय में पास रखेंगे और दूसरे विषय में भी, यानी पहले में गणित में भी पास, दूसरे अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी में भी पास, और तीसरा दोस्तों क्या होता है, दोनों में जो होता है ना दोस्तों, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में क्या लिखेंगे दोस्तों, फेल रखेंगे। ये किसके लिए है दोस्तों, उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए है। तो दोस्तों पहले में क्या कह रहा है, पहले में समझिएगा, यहां 30% विद्यार्थी गणित में क्या हो रहे हैं दोस्तों, अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, हमें तो यहां उत्तीर्ण रखना है ना, तो 30% जब अनुत्तीर्ण हो गए तो 70% दोस्तों क्या होंगे, पास हुए होंगे, ठीक है। और प्लस इसको क्या करेंगे, दूसरे वाले में अंग्रेजी में दोस्तों कितने परसेंट पास हुए, 25% दोस्तों अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने परसेंट पास हुए होंगे दोस्तों, 75% पास हुए होंगे।
प्लस लिख लेंगे दोस्तों 75 यानी 75। और यहाँ पे दोस्तों दोनों में क्या रखना है, फेल ही रखना है। तो यहाँ 15% दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है, तो प्लस में हम क्या कर देंगे दोस्तों 15 कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे 15 कर देंगे। और इन तीनों को जोड़ के दोस्तों इसमें से हम क्या करेंगे 100 घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बिना पेन उठाए। ठीक है, देखिए 70 75 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा, और 145 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 160 हो जाएगा, और 160 में से ये 100 घटा लेंगे, 160 में से दोस्तों आप 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 60% आ जाएगा। 60% छात्र दोस्तों क्या है, दोनों में उत्तीर्ण हुए। 60% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या दोस्तों इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, नहीं। क्यों नहीं है, देखिए बिना पेन उठाए आपको बता रहा हूँ, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछेगा तो हम यहाँ पे भी उत्तीर्ण लेंगे, यहाँ पे भी उत्तीर्ण लेंगे, और यहाँ पे अनुत्तीर्ण लेंगे। अगर जो दोस्तों यहाँ पूछता दोनों विषयों में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण अगर जो पूछ लेता प्रश्न यही रहता, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम अनुत्तीर्ण रखते और यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण रखते और यहाँ पे क्या रख लेते दोस्तों उत्तीर्ण रख लेते। अगर जो मान लीजिए दोस्तों दोनों प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ, अगर जो यहां पे उत्तीर्ण की जगह दोस्तों क्या दे देता अनुत्तीर्ण पूछ लेता, ठीक है, क्या पूछता अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, तो यहां पे हम अनुत्तीर्ण रखेंगे 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण, तो 30% तो दिया ही है, 30% हम लिख लेंगे, और प्लस क्या लिख लेंगे अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण लिख लेंगे, 25% क्या है दोस्तों अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, प्लस क्या लिख लेंगे दोस्तों 25 लिख लेंगे। ठीक है, यहां क्या लिख लेंगे दोस्तों प्लस आप लिख लेंगे 25, और यहां पे दोस्तों दोनों में क्या है दोस्तों 15% अनुत्तीर्ण हुए ना, यहां पे हम क्या रख लेंगे दोस्तों पास रख लेंगे, क्या रख लेंगे उत्तीर्ण रख लेंगे, तो 15% फेल है तो कितने परसेंट पास हुए होंगे दोस्तों 85% पास हुए होंगे। इन तीनों को जोड़ के दोस्तों हम क्या करेंगे 100 घटा लेंगे, 100 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों दोनों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या आ जाएगा दोस्तों अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा। अगर जो इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहां पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत, क्या पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत जब पूछ रहा है तो हम यहां पे भी क्या रखेंगे दोस्तों उत्तीर्ण रखेंगे, यहां पे भी उत्तीर्ण और यहां पे अनुत्तीर्ण, तीनों को जोड़ के 100 घटा लेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहां दोस्तों 30% क्या है दोस्तों समझिएगा, एकदम अच्छे से समझते हुए चलिए, 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए होंगे यानी पास हुए होंगे 70%, और यहां पे दोस्तों जब 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों 75%। ठीक है, और यहां पे दोनों में दोस्तों कितने परसेंट ये आपके अनुत्तीर्ण है, यहां उत्तीर्ण पूछ रहा है तो यहां पे हम अनुत्तीर्ण ही रहेंगे, 15% दिया है तो इसको हम 15 लिख लेंगे। इन तीनों को जोड़ के दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे 100 घटा लेंगे, 70 75 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 160 हो जाएगा, और 160 में से दोस्तों आप क्या करेंगे 100 घटा लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 60%। तो दोनों में उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या आ जाएगा दोस्तों 60%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो उस चैनल पे दोस्तों आप जरूर जाइएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, और वहां पे जाके दोस्तों आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप भी दोस्तों मैथ में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कुछ दिन बाद बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, SSC बैंक रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो CGL एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बैंक PO में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी दोस्तों आप सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो उस चैनल पर दोस्तों आप जरूर विजिट करिए, और दोस्तों आपको बता दूं अगर दोस्तों आप इन सब प्रश्नों की PDF चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF चाहते हैं, तो आप दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं दोस्तों समय समय पे PDF भी देता रहता हूँ और सारे वीडियो के लिंक भी दोस्तों आपको वहीं पे एक जगह मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, शेयर वाला सिंबल दोस्तों ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस करके वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन है दोस्तों, इसको ऑन कर लेंगे तो प्रेस करके तो ये ऐसे दिखने लगेगा, जब ये ऐसे दिखेगा दोस्तों
दोस्तों आपको डेली सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी, यानी आप तक डेली दोस्तों आपको सारे वीडियोज़ की मैसेज आएगी कि मैंने ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है और आप उसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।